इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है, इसे मैंने स्क्वायर में बनाया है और आप इसमें अलग अलग कलर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है वाले हैं। इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो लगेगी, तो चलिए सबसे पहले उन्हीं को देख लेते हैं। ये स्केल लगेगी हमें, उसके बाद ये मशीन का टेप, उसके बाद ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, और ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए चाहिए। ये पेंसिल लगेगी, उसके बाद ये कैंची लगेगी, धागा लगेगा, सुई लगेगी, उसके बाद हमें कुछ बिंड्स लगेंगे आपकी चॉइस से ले लीजिए, उसके बाद कपड़ा और ये पैटर्न। तो ये पैटर्न आप किसी कागज़ पे उतार लीजिए या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये 21x19 इंच का कपड़ा लेना है। इस तरीके से पहले हमने ये देखिए 21x19 इंच का कपड़ा लेना है पूरा, और उसके ऊपर हमें लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए एक साइड पे हम लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी 19 इंच की साइड है, इसलिए हमें हर एक लाइन हमें एक एक इंच की ही लगाते हुए जाना है। पहले से स्टार्ट करना है, आखिर तक उसी तरीके से हमें लगा के ले लेना है। जो हमने सबसे पहले एक इंच लगा देना है तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। जब हम एक एक इंच का लाइन शुरू करते थे तो उसी तरीके से लगाते हुए जाइए। तो चलिए एक साइड का मैं पूरा बना के ले लेती हूँ। तो देखिए, एक साइड हमारी हो चुकी है 19 साइड की, और अब हमें 21 साइड के ऊपर हमने 2 इंच के ऊपर लाइन लगा के ले ली है, और उसके आगे हमें हर एक लाइन एक एक इंच की लगाते हुए जाना है। और अब हमें इस बार एक एक इंच के 17 लाइन लगा के ले लेने हैं, 17 लाइन लगा के ले लेने हैं। तो चलिए मैं इसे आखिर तक बना के ले लूँगी, और आखिर में हमें 2 इंच का जो नाप है उसे छोड़ देना है। तो चलिए ये सब कुछ लाइनिंग में पूरा करके ले लेती हूँ। लगा के ले लिया है, अब हमें इसके ऊपर ये जो डिजाइन है वो लगानी है। तो किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं इसी इधर से ही शुरुआत करके ले लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें बॉक्स बनाने हैं, और ये देखिए इधर मैंने 5 बॉक्स बना के ले लिए हैं। इस तरीके से जिधर हमने 2 इंच लगाए है उसी साइड पे 1 इंच का पूरा लाइन छोड़ देना है। उसके आगे हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू कर देना है, फिर से हमें 1 इंच का पूरा लाइन छोड़ देना है। इस तरीके से पैटर्नों को कंप्लीट करते हुए जाना है। इसी तरीके से हमें आखिर तक बना के ले लेना है। तो देखिए 5-5 जो बॉक्स है उसके अंदर डिजाइन लगा के हमें आगे आगे इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो अब हमें इस बार देखिए इधर हमने 3 इंच छोड़ दिए, जो इस साइड है हमारी 3 बॉक्स छोड़ दिए हैं, और उसके आगे हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए जाना है। 3 बॉक्स छोड़ेंगे, फिर से इस तरीके से डिज़ाइन, फिर से 3 बॉक्स छोड़ेंगे, फिर से इसी तरीके से 5 बॉक्स के अंदर इस तरीके के निशान लगाएंगे। तो अब हमें ये सीधी आएगी, तो इस तरीके से आ जाएगी, और जो हमने तो ध्यान रखिए कि जब आप पैटर्न लगा देंगे तो आपको इस तरीके से जो 19 इंच के साइड है उसी साइड में आपको 3-3 बॉक्स दोनों तरफ छोड़ देने हैं, और इसी तरीके से आपको पूरा पैटर्न बना के ले लेना है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले ये पहला वाला पॉइंट सिलाई कर देना है, और ये दूसरा वाला आप किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा, उसके बाद ये तीसरा,
इस तरीके से आपको बिल्कुल कोने के जो पॉइंट है उनको ही सिलाई लगा के ले लेना है, बिल्कुल कोने की सिलाई आपको पकड़ के सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से फिर से आखिर में आपको पहले ही पॉइंट पे आ जाना है, तो इस तरीके से सिलाई बन जाएगी। और इस तरीके से देखिए, और अब हमें क्या करना है, बीच में अंगूठा रखना है और ये सभी को धागे को खींचना है। तो धागे को खींचेंगे तो हमारा जो इधर फ्लावर है वो बन जाएगा, और हाथ से हमें उसे सेटअप कर देना है, अच्छे से सेट करना है इस फ्लावर को, और अच्छे से टाइट भी करना है 2-3 बार हमें दोनों तरफ से इस तरीके से और दूसरी तरफ से भी, और 2-3 बार टाइट करेंगे उसके बाद धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके बनके तैयार है, और इसी तरीके से हम आगे वाला भी इस तरीके से ये पहला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है, उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हमें ये तीसरा वाला पॉइंट इस तरीके से, उसके बाद हमें ये चौथा वाला पॉइंट इसको इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। उसके बाद हमें वापस पहले वाले पॉइंट पे ही आ जाना है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई पूरी हो जाएगी। तब हमें बीच में अंगूठा रख के कपड़े को पीछे दबाना है, और जो हमारा फ्लावर है उसे, जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अच्छे से सेटअप करके ले लेना है, ताकि इधर अच्छे से फ्लावर बन सके। तो इसलिए हमें अच्छे से फ्लावर बनाना है, उसके बाद हमें पैक कर देना है उसे, और धागे को हमें कट करके ले लेना है। और चलिए उसके आगे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला, उसके बाद हमें तीसरा वाला पॉइंट पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, उसके बाद चौथा वाला, और उसके बाद फिर से हमें आखिर वाले मतलब पहले ही पॉइंट पे आ जाना है इस तरीके से। और अब हमें बीच में अंगूठा रख के कपड़े को नीचे पीछे वाले साइड पे दबा देना है, और ये देखिए इस तरीके से आपको पंखुड़ियों को अच्छे से मिला के ले लेना है, अच्छे से बना के लेना है, और इस तरीके से धागे को हमें कट करके ले लेना है। तो इसी तरीके से जिधर जिधर निशान है उसी जगह पे हमें इस तरीके के फ्लावर बना के ले लेने हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि सिर्फ हमें जो हमने 5 बॉक्स के अंदर जो इस तरीके के निशान लगाए हैं, तो उसमें से हमें सिर्फ इस तरीके के 4-4 बॉक्स ही बनाने हैं। जो बीच वाला जो निशान है उसे अभी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यह ध्यान रखिए कि सिर्फ हमें बाजू के 4 बॉक्स के अंदर फ्लावर बनाना है, और बीच वाला जो बॉक्स है, जो 4 बॉक्स हैं उनके बिल्कुल बीच वाला जिसके अंदर हमने निशान लगाए हैं उसके अंदर अभी के लिए हमें फ्लावर नहीं बनाना है। तो देखिए इधर, तो तक मैंने सिलाई करके आपको दिखा दिया है। और इसके आगे,
तो ये देखिए, ये जो लेयर्स है ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग आई है ये पंखुड़ियों की, तो इनको हमें मिला के ले लेना है और इसे बारीकी से सिलाई लगा के लेना है और बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इन दोनों को हमें अटैच करते हुए जाना है, जो सबसे बिल्कुल कोने वाला है उसी से शुरुआत करनी है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल उसी से शुरुआत की है हमने, बिल्कुल कोने से, और जो पंखुड़ियाँ है उनको, जो लाइनिंग है उनकी, उनको पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है और इनको अच्छे से टाइट पैक कर देना है धागे को भी, और इस तरह से कट करके ले लेना है। तो इस तरह से हमें दो दो पकड़ के इस तरह से आगे जितने भी आएंगे उन सभी को दो दो इस तरह से पकड़ के सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए इसमें से मैं दो आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से सिलाई बना के ले लेनी होगी। तो ये तो दो मैंने आपको बना के ले दिखा दिए, आपको ये सब कुछ पूरा करना है फ्लावर बना के, उसके बाद आपको इस तरह से सिलाई करके पूरा कर देना है। ये जो पंखुड़ियाँ है उनको मिला के आपको सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो देखिए जो बिल्कुल कॉर्नर वाली जो है उनको भी बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। दो दो पंखुड़ियों को मिला के हमें इसी तरीके से सभी तरफ से आखिर तक सब कुछ पूरा करके ले लेना है। जब हम फ्लावर बनाएंगे तब हमारी इस तरह से पंखुड़ियाँ आ जाएगी और आमने सामने आ जाएगी, तब हमें इन सभी को जोड़ के अटैच करके ले लेना है। तो चलिए ये जो बाजू बाजू के हैं उनको भी मैं अटैच करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये तीनों तरफ के जो पंखुड़ियाँ हैं उनको सिलाई करके आपको दिखा दिया है। और देखिए मेन डिज़ाइन हमारी पीछे वाली साइड पे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारी ये बॉक्स बन जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें दोनों हाथ से पकड़ के जो बीच पीछे वाली पंखुड़ियाँ हैं उनको इस तरीके से हमें ऊपर उठा के ले लेना है। तो इस तरह से दोनों को हमें इस तरह से खींचना है और इस तरह से अब हमें इस तरह फ्लावर बना के ले लेना है। तो चलिए बीच बीच का हिस्सा ही हमें इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सिलाई बना के ले लेती हूँ। बीच के पॉइंट है उनको ही इस तरह से, देखिए इस तरीके से आपको बीच के पॉइंट को ही सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और ये देखिए बिल्कुल बीच का मैंने सिलाई करके ले लिया पॉइंट को, इसी तरीके से सिलाई करके ले लीजिए और सभी को हमें इस तरीके से खींच के अटैच करना है। सभी पॉइंट को इस तरह से सिलाई करके अटैच करना है और उसके बाद हमें उसके अंदर बिंड्स लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से, और बाद में इसी बिंड्स को भी हमें अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। और आप इसके अंदर कपड़े का कलर का यूज़ धागा कर दीजिए या फिर बिंड्स के कलर का आप धागा यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर इसकी चॉइस है। और बिंड्स के और कपड़े के कलर के भी चॉइस के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारा एक फ्लावर बन चुका। दूसरा देखिए इस तरह से खोल लेना है हमें, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने सिंपल सिंपल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए भी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए पास वाली, ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत अच्छे वीडियो डालती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाएगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। इस तरीके से हमने ये जो थ्री फ्लावर है उनको बना के ले लिया है और अब हमें ये जो चौथा वाला फ्लावर है उसे बना के ले लेना है। आपको भी बिल्कुल सभी पूरा करके बिल्कुल इसी तरीके से आखिर तक डिज़ाइन बना के लेना होगा, तो आपकी डिज़ाइन बहुत प्यारे से तैयार हो जाएगी। ले लिया है और बिंड्स लगा के इसको पूरा कर दिया है। तो इसी तरीके से सेम हमने दूसरी वाली डिज़ाइन बना के ले ली है, उसे भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सेम टू सेम डिज़ाइन हमने ये जो कपड़ा है इसके ऊपर बना के ले ली है।
तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद आपको पीछे की साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेना है। सबसे पहले मैंने डिजाइन बनाई थी वो है, इसलिए आपको ये अलग दिखेगी। तो ये मैंने सबसे पहले बनाई थी वो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।